बहुत पुरानी बात है, हुलाची नाम का एक आदमी था। हुलाची बिल्कुल अकेला ही था, उसका कोई परिवार ना था। हुलाची अपना जीवन निर्वाह करने के लिए एक खास तरह का काम करता था। दरअसल राज्य के राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेश वाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। हुलाची उस टोली का मुखिया था। वह इतना फुर्तीला और तेज था कि कुछ ही क्षणों में वो कई कोस दूर तक दौड़ लगा लेता था। राजा को हुलाची पर बहुत ही विश्वास था। कोई भी महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश होता तो राजा हुलाची को ही उसका जिम्मा सौंपता था। हुलाची स्वभाव से एक बहुत ही वीर और दयालु आदमी था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हुलाची को पगार भी अच्छी मिलती थी। उसका कोई परिवार नहीं था तो कोई उस पर रोक टोक भी नहीं थी, परंतु उसका दयालु स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। हुलाची किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा काम काज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता था। उस समय वह भूल जाता कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है, जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा का संदेश विलंब से पहुंचता था। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। संदेश देर से पहुंचने पर जब राजा को इस बात का पता लगा कि इसकी वजह खुद हुलाची ही है, तो उसने हुलाची को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा, हुलाची, तुम्हारे जैसे होनहार और योग्य आदमी से मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगे। हुलाची सिर झुकाए सुन रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर अब कभी संदेश पहुँचने में विलंब हुआ तो तुम्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। इसके बाद हुलाची फिर से अपने काम में लग गया, परंतु वह अपना स्वभाव ना बदल सका। एक दिन वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े हुए देखा। वह वहां पर रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद आ गई। हुलाची मन मार कर आगे बढ़ता गया, पर सारे रास्ते में उसका मन उसे कचोटता रहा। अगली बार हुलाची संदेश लेकर एक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे हुए थे, वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को फिसल कर गिरते हुए देखा। उसने झट दौड़कर उस बूढ़े को पकड़ लिया। अगर हुलाची समय पर ना पहुंचता तो बूढ़ा हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता। लेकिन फिर भी बूढ़े को काफी चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। बूढ़ा बेहोश हो चुका था। हुलाची धर्म संकट में पड़ गया। अगर बूढ़े की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचाने में विलंब हो जाएगा और राजा क्रोधित होंगे, और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल ना होने से इस बूढ़े की क्या दशा होगी। वहां पर कोई और था भी नहीं जिसे हुलाची बूढ़े की देखभाल के लिए छोड़ जाता। हुलाची सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, वह इस बूढ़े आदमी के स्वस्थ होने के बाद ही जाएगा। हुलाची ने उस बूढ़े आदमी के लिए एक झोपड़ा बनवाया, उसकी मरहम पट्टी की। जब वह ठीक हो गया तो उसे एक गांव में छोड़कर हुलाची आगे बढ़ चला। उस बूढ़े आदमी ने हुलाची को खूब आशीर्वाद दिए। संदेश पहुंचने में देरी हो चुकी थी। हुलाची समझ गया कि इस बार राजा उसे दंड अवश्य देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। राजा को जब पता चला तो उसने हुलाची को ना सिर्फ नौकरी से हटा दिया, बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी हुक्म सुना दिया। बेचारा हुलाची क्या करता, वह चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, जंगली फल फूल खाकर अपने पेट भरता रहा। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर उसकी नजर पड़ती तो वह सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता था। लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। हुलाची को कई कई दिन तक खाना ना मिलता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी, शायद कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। यह सोचकर वह उस ओर बढ़ चला। जैसे ही हुलाची झोपड़ी के पास पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला।
यह वही बूढ़ा आदमी था जिसे हुलाची ने खाई में गिरने से बचाया था। बूढ़े ने भी उसे पहचान लिया। वह हुलाची को झोपड़ी में ले गया और उसे भर पेट भोजन खिलाया। खाना खाते समय हुलाची की आंखों में आंसू आ गए। आज ना जाने कितने दिनों बाद उसने भर पेट भोजन किया था। बूढ़े ने जब पूछा तो हुलाची ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनकर बूढ़े ने एक जोड़ी चप्पल हुलाची को दी और बोला, बेटा इन्हें पहन लो। हुलाची आश्चर्य से बूढ़े को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बूढ़ा हुलाची के मन की बात समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा ये चप्पल कोई साधारण चप्पल नहीं है, ये एक उड़ने वाली चप्पल है। ये चप्पल मुझे एक सिद्ध साधु ने दी थी और मैंने इसे अपने पास रख लिया कि जब भी मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से परोपकार का काम करता होगा तो मैं ये चप्पल उसको दे दूंगा। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो, ये चप्पल तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। इन्हें पहनकर तू जहां चाहे जा सकेगा, जरा भी देर ना लगेगी। हुलाची ने बहुत ही खुशी से वो जादुई चप्पलें स्वीकार कर ली। हुलाची जादुई चप्पलें पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात मन में सोची तो वह सचमुच हवा में उड़ने लगा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब हुलाची फिर से राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए, अब वह बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा। राजा हुलाची को एक अच्छा आदमी समझता था। उसका गुस्सा भी अब उतर चुका था। उसने हुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। एक दिन हुलाची संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने नीचे देखा, एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। हुलाची आगे ना जा सका। उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की, फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचाने में फिर से देरी हो गई थी। राजा को जब ये पता चला तो उसने फिर से उसे बहुत ही बुरा भला कहा। हुलाची ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि वह अब से अपने काम से ही काम रखेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। खाली समय में ही वो दीन दुखियों की सहायता किया करेगा। अगली बार जब हुलाची संदेश लेकर जा रहा था तो वह एक जंगल से गुजरा। तभी ना जाने क्या हुआ, उसने देखा वह जमीन पर खड़ा था। वह उड़ते उड़ते एकाएक धरती पर उतर आया था। हुलाची ने फिर से उड़ने की इच्छा की, लेकिन कई बार इच्छा करने पर भी वह उड़ ना सका, उसी जगह पर खड़ा रहा। हुलाची ने सोचा शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव अब खत्म हो गया है। वह खड़ा खड़ा अभी सोच ही रहा था कि तभी संयोग से वही बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसे देखते ही हुलाची ने सब कुछ उसे बता दिया। ये सुनकर बूढ़े ने आश्चर्य में सिर हिलाया और बोला, बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये चप्पलें तो बहुत ही चमत्कारी हैं, ला मैं देखूं क्या बात है। इतना कहकर बूढ़े ने वो चप्पलें स्वयं पहन ली। वह एकदम आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर हुलाची चक्कर में पड़ गया, यह मामला क्या है। उसने बूढ़े से चप्पलें लेकर पहन ली, लेकिन वह नहीं उड़ सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ, बूढ़े ने जब भी चप्पलें पहनी वह आकाश में उड़ने लगता और हुलाची उड़ने में सफल नहीं हो पाता। यह देखकर बूढ़ा बोला, बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, यह क्या रहस्य है। तभी हुलाची की नजर सामने गई। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक कबूतर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसने कबूतर की मरहम पट्टी कर दी और इस बार जब उसने चप्पलें पहनी तो वह एकदम से आकाश में उड़ चला। परंतु हुलाची तुरंत नीचे उतर आया। उसने चप्पलें बूढ़े आदमी के सामने रख दी और बोला, बाबा ये उड़ने वाली चप्पलें अब तुम्हें ही मुबारक हो। बूढ़े ने पूछा, क्यों बेटा। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ सका। असल में ये चप्पलें तो ठीक हैं, खराबी मेरे मन में ही है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। हुलाची कहता गया, सामने घायल कबूतर पड़ा था और मैं उसे छोड़कर उड़ जाना चाहता था, इसीलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया। तेरी जादुई चप्पलें भी मेरे मन के सामने बेबस हो गईं। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज सुन रहा था।
यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही चप्पलों का जादू वापस आ गया। इसीलिए मैं तो इनके बिना ही ठीक हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या काम करना चाहिए। मैं वही करूँगा और उस काम के लिए मुझे जादुई चप्पलों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वो बूढ़ा बाबा हंसने लगा और बोला, बेटा तूने ठीक कहा। मन के जादू के सामने हर प्रकार का जादू बेकार है। तू दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। उस दिन के बाद से हुलाची ने सारे काम छोड़ दिए। वह सिर्फ दीन दुखियों की सेवा करते हुए घूमने लगा। महतो वल्लभगढ़ राज्य में रहने वाला एक भोला भाला किसान था। उसके पास जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी, उसमें वे अपनी एक जोड़ी बैलों के साथ हल चलाता और साल में दो बार फसल काटता था। महतो को अपने बैलों से बहुत ही लगाव था, यूं मानो कि उन्हें अपने बेटों जैसा ही समझता था। महतो ने उनके नाम भी रखे हुए थे। एक बैल का नाम हीरा तो दूसरे का नाम मोती। हीरा मोती भी अपने मालिक से बहुत ही प्यार करते थे और उसके पक्के वफादार थे। महतो की पत्नी दुलारी भी बैलों का पूरा ध्यान रखती, उनके चारे और भूसे में कोई कमी ना होने देती। दोनों अपनी ही दुनिया में बहुत खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। गेहूं की खेती का समय हो गया था। महतो ने अपने बैलों को नहला धुला कर बांध दिया, ये सोचकर कि कल सुबह तड़के ही अपने खेत की जुताई में लग जाऊंगा। अगली सुबह जल्दी उठकर महतो ने स्नान किया और दुलारी ने भी खाने की पोटली बांध दी कि महतो खेत में जाकर ही खाना खा लेगा। जल्दी जल्दी महतो अपने प्यारे बैलों को हल में जोड़ने के लिए घर के आंगन में पहुंचा। पर ये क्या, हीरा मोती में से सिर्फ हीरा ही अपनी जगह पर था, मोती नजर नहीं आ रहा था। महतो को लगा शायद खूंटे से खुलकर मोती आसपास के किसी खेत में घुस गया होगा। मोती था भी बहुत ही शरारती बैल। महतो और दुलारी दोनों आसपास के खेत खलियानों में मोती बैल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोती की कोई खबर नहीं मिली। दोनों पति पत्नी थक हार कर घर वापस लौट आए। इसका मतलब ये था कि रात के अंधेरे में कोई चोर मोती को खूंटे से चुरा कर ले गया। अगले कुछ दिनों तक महतो ने मोती को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आखिरकार महतो ने हार मान ली और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, बैल के बिना हल नहीं चलेगा। हल नहीं चलेगा तो खेती नहीं होगी। खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा, और बिना अनाज के हम भूखे मर जाएंगे। महतो की पत्नी ने कहा, तो फिर नया बैल खरीद लेते हैं। लेकिन तुम ठहरे बुद्धू राम, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी बैल खरीदने के लिए। अब महतो को भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी। दोनों पति पत्नी बैल खरीदने के लिए गांव के बाहर लगने वाले पशु मेले में पहुंच गए। एक के बाद एक कई बैल उन्होंने देख लिए, लेकिन उन्हें कोई बैल पसंद ही नहीं आ रहा था। घूमते घूमते दुलारी की नज़र एक बैल पर पड़ी। पहली नज़र में ही दुलारी ने अपने मोती को पहचान लिया। वो चोर जिसने बैल चुराया था, वो बैल को बेचने के लिए पशु मेले में आ पहुंचा था। दुलारी ने महतो को ये बात बताई। ये देखते ही महतो ने कहा कि ये तो मेरा मोती है, मेरा प्यारा बैल। तुमने ही इसे मेरे आंगन से चुराया है। लेकिन चोर ने इस बात से साफ मना कर दिया और ये बैल उसी का है, वो इस बात पर अड़ा रहा। दोनों के बीच अच्छी खासी बहस होने लगी। तब बैल बेचने वाले ने कहा, तुम्हारा बैल मेरे बैल का हमशक्ल होगा। तभी महतो की पत्नी दुलारी ने अपनी चुनरी से बैल की दोनों आंखें ढक दी और चोर से बोली, अगर ये तुम्हारा बैल है तो बताओ ये किस आंख से काना है। ये बात सुनकर चोर को एक धक्का सा लगा कि उसने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि बैल किस आंख से काना है। परंतु फिर बड़ी चतुराई दिखाकर वो झट से बोला, इसकी बाई आंख खराब है। दुलारी ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर बोलना, वरना पछताना पड़ेगा।
चोर ने मन ही मन में सोचा कि बैल तो मैंने चुरा लिया, लेकिन उसकी शक्ल कौन याद रखता है। फिर उसने बौखलाहट में कहा, नहीं नहीं, इसकी दाई आँख खराब है। आसपास के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। दुलारी ने दुपट्टा बैल की आंखों से हटाया तो उसकी दोनों आंखें ठीक ठाक थीं। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। महतो और उसकी पत्नी अपने खोए हुए बैल को वापस लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अब उनके हीरा मोती की जोड़ी फिर से एक हो गई थी। अगली सुबह से ही महतो अपने बैलों को ले जाकर अपने खेतों को जोतने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों बाद उसे एक शानदार फसल प्राप्त हुई। अब महतो और उसकी पत्नी दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे।